कुडनी में वोटिंग से ठीक पहले मुकेश सहनी को झटका। रमई राम की बेटी गीता वीआईपी छोड़ बीजेपी में शामिल। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में। बिहार कुटानी विधानसभा सीट पर वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया है। उनकी विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव लड़ चुकी डॉक्टर गीता बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वह पूर्व मंत्री और दिव्यांगत नेता रमई राम की बेटी हैं। बोचहा विधानसभा सीट पर इसी साल हुए उपचुनाव में मुकेश सहनी ने गीता कुमारी को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। गीता शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गई। रामदयालु नगर स्थित एक होटल में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा की अगुवाई में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, गोरखपुर सांसद सह एक्टर रवि किशन की मौजूदगी में उन्हें सदस्यता दिलाई गई। बता दें कुठानी में सोमवार को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। यहां बीजेपी ने पूर्व विधायक केदार गुप्ता को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा से है। कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से भी बने हुए हैं। तो इस न्यूज के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें।